हेलो दोस्तों आराध्यास अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान इतिहास के टॉप डेढ़ सौ प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों अभी तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं लगी है उनमें यह प्रश्न है वो काफ़ी बार घुमा घुमा के पूछे गए हैं इसलिए दोस्तों आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको ये डेढ़ सौ के डेढ़ सौ प्रश्न है वो रटने हैं क्योंकि दोस्तों इन डेढ़ सौ प्रश्नों में पूरा राजस्थान जी के है पूरा राजस्थान इतिहास है वो दोस्तों इसमें कवर किया गया है इसलिए इन प्रश्नों को रटना है आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेलाइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों अब हम आपका करेंगे सपना पूरा पटवारी बनने का इसलिए आराध्या आर एस अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न राव जैत सिंह ने हराया था तो दोस्तों राव जैत सिंह ने किसको हराया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबर के पुत्र कामरान को हराया था दोस्तों पंद्रह में ठीक है कौन सा युद्ध था वो तो दोस्तों राति घाटी का युद्ध था वो क्या नाम था युद्ध का राति घाटी का युद्ध था पंद्रह सो ईस्वी में हराया था दोस्तों बाबर के पुत्र कामरान को किसने राव जैतसी ने ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता था राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है क्या कहते थे उसको उसको खरीदता बोलते थे दोस्तों ठीक है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर तीन नंबर प्रश्न है वेली कृष्ण री की रचना किसने की थी तो दोस्तों किसने की थी तो ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों चार नंबर प्रश्न गिरी सुमेल के युद्ध में गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेर शाह की सहायता की थी तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मालदेव और दोस्तों राव जैतसी के मध्य 1541 के अंदर दोस्तों एक पाहेबा का युद्ध लड़ा गया था ठीक है और इस पाहेबा का युद्ध में राव जैत है वो मारा गया था और राव जैतसी का बेटे का नाम था दोस्तों कल्याणमल ठीक है कल्याणमल है वो वहां से भाग जाता है और बाघ के कहाँ चला जाता है शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है सहायता प्राप्त करने के लिए उस समय दोस्तों मारवाड़ का जो शासक था मालदेव था और मालदेव ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था मालदेव ने मेड़ता पर भी अपना अधिकार कर लिया था और मेड़ता का जो वीरमदेव था वो भी दोस्तों शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है और उसके बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी है वो माल मालदेव को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है लेकिन मालदेव मना कर देता है और इस वजह से दोस्तों ये गिरी सुमेल का युद्ध होता है जनवरी 1544 में और इसमें दोस्तों कल्याणमल का जो छोटा भाई है भीम ठीक है कल्याणमल है ये इसका छोटा भाई है भीम ये शेरशाह सूरी को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी इसने याद रखना ठीक है भीम याद रखना और देखो भीम को गई भोमरो बाहुडू कहते हैं यानी कि चली गई धरती को वापस लाना ये भीम को कहते हैं ठीक है और वैसे कल्याणमल इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का और जैसे ही दोस्तों ये युद्ध हुआ था और युद्ध में शेरशाह सूर्य के मुंह से बर्बद शब्द निकले थे तो वो शब्द कौन से थे कि बोलो सूरी राजयू गिरी गाट मुट्ठी मुठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदुवाण एक मुठ्ठी पर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता ग्रीस मेल में ग्रीसमेल के युद्ध में ये कहा था ये बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए दोस्तों राजस्थान की निम्न में से कौन से रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही तो कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बीकानेर एवं जैसलमेर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह कौन सी कृति के अंदर राजेंद्र कहा गया है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करमचंद्र करमचंद वंशोद कीर्तन का व्यम ये एक पुस्तक है इस पुस्तक के अंदर दोस्तों राजेंद्र कहा गया है महाराजा राय सिंह को तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और क्या कहा जाता है महाराजा राय सिंह को तो राजपुताने का करण भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मूर्तिकला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ तो दोस्तों कौन से काल में शुरू हुआ था तो ये मौर्य काल में शुरू हुआ था ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सॉरी उदयपुर में ठीक है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी तो वो कौन सी थी राइट right आंसर हो जाएगा वो है परोपकारिणी सभा क्या हो जाएगा परोपकारिणी सभा इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन नेक्स्ट आगे देखिए अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ तो ये दोस्तों कहां पर हुआ था तो ये पेरिस में हुआ था ठीक है फ्रांस की राजधानी है पेरिस वहां पर हुआ था ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर दस नंबर प्रश्न है फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है तो दोस्तों हसमत वाला राजा किसको कहा है फारसी इतिहासकारों ने तो यह कहा है दोस्तों मालदेव को किसको कहा है मालदेव को कहा है तो इसका राइट आंसर ए, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है सपाद के चौहान वंश का संस्थापक कौन था तो कौन था दोस्तों सपाद के चौहानों का संस्थापक तो वो था दोस्तों वासुदेव चौहान बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बारह नंबर का प्रश्न है चौहानों का मूल स्थान माना जाता है चौहानों का मूल स्थान दोस्तों सपाद माना जाता है सी नंबर नंबर ऑप्शन राइट आंसर का प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था तो दोस्तों खेराबाद है वो शिवाणा दुर्ग को जीतकर उसका नाम है वो खेराबाद रखा था शिवाणा दुर्ग कहाँ है तो दोस्तों ये बाडमेर में है ठीक है नेक्स्ट है आगे देखिए चौदह नंबर का प्रश्न है अजय देव ने सॉरी अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे तो दोस्तों श्री अजय देव के नाम से चलाए थे अजयराज ने सिक्के ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजय राज ने चलाए थे दोस्तों और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से भी इन्होंने सिक्के चलवाए थे तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर और और क्या किया था राज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी 1113 में नेक्स्ट है मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सियासन पर बिठाने में किसने सहायता की थी मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सियासन पर बैठाने में किसकी सहायता किस सॉरी सियासन पर बैठाने में किसने सहायता की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राम मालदेव ने बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखिए साहसमल द्वारा स्थापित सिरोई के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिव सिंह ने की थी ये ठीक है किसने की थी शिव सिंह ने की थी सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रह नंबर का प्रश्न है राव चंद्रसेन की समाधि है तो दोस्तों राव चंद्रसेन की समाधि है वो कहाँ पर है तो ये सचियाप में है राव चंद्रसेन की समाधि जो पाली जिले के समीप है ठीक है सारण की पहाड़ियों के समीप नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया तो दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार है ये नवंबर 1570 में आयोजित किया था बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट उन्नीस नंबर प्रश्न है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है तो किसे माना जाता है तो राव सेन को दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है नेक्स्ट है वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है दोस्तों रावचंद्र सेन ठीक है तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया तो ये दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु यानी कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया 22 नंबर प्रश्न है सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी तो किसे प्रदान की थी ये दल थम्बन ठीक है, है यहाँ पे दल थम्बन की उपाधि है वो सम्राट जहांगीर ने किसे प्रदान की थी तो राव गज सिंह को ठीक है ये उपाधि प्रदान की थी तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया था तो दोस्तों पुरोहित का कार्य है वो किसने किया था तो ये किया था इसने किसने तो पुण्डरी रत्नाकर ने किया था सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर चौबीस नंबर प्रश्न है रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है किस राठौड़ शासक की पत्नी थी तो दोस्तों ये कौन से राठौड़ शासक की पत्नी थी तो राव मालदेव की दोस्तों ये उमादे है ये पत्नी थी और पुत्री किसकी थी तो जैसलमेर के शासक लूणकरण की ये पुत्री थी ठीक है तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे तो ये प्रचलित थे दोस्तों झालावाड़ में डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों ये प्रश्न है ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ठीक है थीके? और सभी परीक्षा के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है तो इन प्रश्नों को दोस्तों रट लें अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको आपका रिवीजन है वो परीक्षा के लिए वो हो जाएगा आगे देखिए जेता एवं कूपा कौन थे तो जब दोस्तों जेता एवं कुपा कौन थे तो ये मालदेव के सेनापति थे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए महाराणा सांगा की समाधि है तो कहां पर है महाराणा सांगा की समाधि तो ये दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है महाराणा सांगा की समाधि नेक्स्ट आगे देखिए कौन सा युग में असंगत है कौन सा युग में असंगत है तो यहां पे देखिए दोस्तों गलत कौन सा दे रखा है तो आप देखो यहाँ पे पता चल गया होगा कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कुंभा का दरबारी कवि कहना व्यास था कुंभा का संगीत गुरु कौन था सारंगधर कौन था सारंगधर ठीक है यहाँ पे गलत क्या दे रखा है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कुंभ का जो धर्मगुरु है वो यहाँ पे गलत दे रखा है आगे देखिए दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन देखिए कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन ठीक है कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था तो वो था दोस्तों इसमें मंडन ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो सी नंबर का ऑप्शन कुंभा का धर्म गुरु यहाँ पे गलत दे रखा है महेश भट्ट दे रखा है जो कि इसमें गलत है ठीक है आगे देखिए दोस्तों एक सॉरी उन्तीस नंबर प्रश्न है वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद दे राजपुताने का करण की संज्ञा दी थी तो दोस्तों राजपुताने का करण किसको कहा गया है तो इसका राइट right आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि राजपुताना का कर्ण है वो बिकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा गया है ठीक है तो इसका राइट right आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट आगे देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी तो दोस्तों महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी दोस्तों दुर्गादास राठौड़ ने ठीक है सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें इकतीस नंबर प्रश्न है आहड़ को राजधानी आहड़ को अपनी राजधानी बनाया किसने बनाया तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसने तो अल्लट ने बनाया था दोस्तों आहड़ को अपनी राजधानी बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था भी दोस्तों अल्लट ने प्रारंभ की थी नेक्स्ट गुहिल वंश की नींव डाली तो दोस्तों गुहिल वंश की नींव है वो किसने डाल ली तो गुहादित्य ने डाली थी ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर तैतीस नंबर प्रश्न है नेपाल ने ने में गुहिल वंश की नींव डाली तो किसने डाली तो वो डाली दोस्तों कुंभकर्ण ने ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है चौंतीस नंबर प्रश्न है चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तो किसने करवाया तो ये करवाया दोस्तों परमार राजा भोज ने ठीक है परमार राजा भोज right ने सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए पैंतीस नंबर प्रश्न चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार था चित्तौड़ का प्रथम शाखा यानी कि 1303 सौ ईस्वी में अलाउद्दीन के साथ कौन था चित्तौड़ के प्रथम शाखे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीर खुसरो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए कांचनगिरी नाम है तो दोस्तों कांचनगिरी नाम है तो ये किसका नाम है तो ये जालोर दुर्ग का नाम है सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंतीस नंबर प्रश्न है किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगत सिंह द्वितीय के ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया उनके पुत्र था उनके पुत्र का नाम क्या था तो दोस्तों पन्ना दाय के पुत्र का नाम था चंदन ठीक है चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचाया था तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है, आगे देखिए राजस्थान में टाटा टोपे को शरण देने वाला सामंत था तो टाटा टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था तो वो था दोस्तों कोठारिया का रावत जोध सिंह कोठारिया का रावत जोध सिंह तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया तो दोस्तों किसने आयोजित करवाया था ये हुडा सम्मेलन ये आयोजित करवाया था दोस्तों महाराजा सॉरी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों ये हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया था नेक्स्ट इकतालीस नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था तो जालोर विजय कि जो प्रमुख अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा दोस्तों विश्वासघात किया गया था इसकी वजह से दोस्तों ये, ये ही प्रमुख कारण माना जाता है जालोर विजय का ठीक है तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर जहांगीर ने बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी वह शासक कौन था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राव रतन हडा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है तियालीस नंबर प्रश्न है। निम्न को सुमेलित कीजिए एक तरफ है शासक दूसरी तरफ है रियासत यानी कि दोस्तों कौन सी कौन सी रियासत का कौन सा शासक था यह अपने को इसमें बताना है ठीक है तो दोस्तों यहां पे देखिए सामंत सिंह है ये वागढ़ रियासत का शासक था डूंगर सिंह है ये दोस्तों डूंगरपुर का शासक था जगमाल है दोस्तों जगमाल है यह बांसवाड़ा का शासक था और रावत बीका है ये प्रतापगढ़ का शासक था तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार चारों के चारों इसमें सही सुमेलित है तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जिसमें एक दो तीन चार दे रखा है चौवालिस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराणा भीम सिंह ठीक है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय के ये दोस्तों दरबारी कवि थे कौन बिहारी ठीक है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर छियालीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों सुमेलित कीजिए ठीक है सुमेलित कीजिए एक तरफ है प्रशस्ति संबंधी और दूसरी तरफ है शासक यानी कि कौन सी प्रशस्ति की रचना किस शासक के समय हुई थी या कौन से वन से संबंधित है वो अपने को इसमें बताना है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबको पता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये दोस्तों महाराणा कुंभा की प्रशस्ति है ठीक है तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तो पहला ही हो जाएगा दूसरा है जूनागढ़ प्रशस्ति तो यहाँ पे देखिए जूनागढ़ प्रशस्ति है ये दोस्तों महाराजा राय सिंह की प्रशस्ति है दोस्तों ये ठीक है महाराजा राय सिंह के समय ये प्रशस्ति लगवाई गई थी जूनागढ़ प्रशस्ति और जगन्नाथ जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये दोस्तों महाराणा जगत सिंह के समय लगवाई गई थी और बिजोलिया शिलालेख है ये दोस्तों चौहान वंश से संबंधित है तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है एक तीन दो चार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन नेक्स्ट बोलो सूरी राजयों गिरी गाट मुट्ठी मुठ्ठी बाजरी खो तो हिंदवान यानी कि एक मुठ्ठी बरबाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता यह वाक्य किसके थे तो शेर सूरी के वाक्य थे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है, आगे देखिए कौन सा कथन असत्य है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा कथन है वो असत्य है बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों तो दोस्तों देखिए यहां पे चार राजा दे रखे हैं और अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है ठीक है अब देखिए दोस्तों आगे यहां पे दे रखा है दोस्तों महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का जन्म है वो दोस्तों कब हुआ था 9 मई को इनका जन्म हुआ था 1540 को ठीक है महाराणा प्रताप का देहांत है वो उन्नीस जनवरी पंद्रह में इनका देहांत हुआ था बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखिए हल्दी घाटी अट्ठारह जून पंद्रह को यह युद्ध लड़ा गया था किसका तो हल्दी घाटी का युद्ध ठीक है बिल्कुल सही बात है अब देखिए दोस्तों आगे इसमें महाराणा प्रताप दे रखा है ठीक है और महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप शासक कब बने थे तो दोस्तों महाराणा प्रताप है ये पंद्रह ईस्वी में ये शासक बने थे और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों पंद्रह ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन क्योंकि ये कथन है ये गलत है इगहत्तर दे रखा है बेहतर में बने थे शासक नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था तो वो कौन था वो था दोस्तों जयचंद गढ़वाल डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी तो रावल की उपाधि दोस्तों किसे प्रदान की गई थी तो बप्पा रावल बप्पा रावल को रावल की उपाधि प्रदान की गई थी इक्यावन नंबर प्रश्न है बीकानेर के किस शासक को जांगल दरबाशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया तो जंगल दर बादशाह की उपाधि दोस्तों किसको दी गई तो महाराणा करण सिंह को दी गई थी ये जंगल दर की बादशाह की उपाधि ठीक है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंधन प्रबंध कौन करता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उनकी माँ कर्पूरी देवी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तिरपन नंबर प्रश्न है इसमें देखिए बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थी तो दोस्तों राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी ठीक है ये दोस्तों मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध थी यह उपाधि है वो दोस्तों अकबर ने दी थी नेक्स्ट आगे देखिए चौवन नंबर प्रश्न औरंगजेब द्वारा माही भरातीव की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया तो माही भरातीव की उपाधि दोस्तों किसको दी गई तो ये महाराजा अनूप सिंह को दी गई थी दोस्तों ये तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है झाला जालिम सिंह को तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा छप्पन नंबर प्रश्न है राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पे अपना सिर काट कर दे दिया था तो दोस्तों सिर सिर मांगे सेनानी सर काट दियो छत्रानी तो ये दोस्तों सहल कंवर के बारे में ये कहा जा रहा है तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है तो दोस्तों वैष्णव धर्म का उल्लेख है ये गोसुंडी अभिलेख में मिलता है डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अट्ठावन नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए एक तरफ शिलालेख दे रखा है दूसरी तरफ प्रशस्ति दे रखी है तो दोस्तों सुमेलित करना है यानी कि कौन सी प्रशस्ति की स्थापना कब की गई थी ये अपने को इसमें बताना है तो यहाँ पे देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना है वो दोस्तों 1460 सौ ईस्वी में की गई थी और दोस्तों यहाँ पे देखिए श्रृंगार ऋषि श्रृंगार ऋषि का जो शिलालेख है ये दोस्तों कब लगवाया गया था ये लगवाया गया था 1428 सौ ईस्वी में ये शिलालेख लगवाया गया था और दिलवाड़ा का जो शिलालेख है वो दोस्तों कब लगवाया गया था तो ये लगवाया गया था तेरह सौ चौंतीस ईस्वी में और बिजोलिया का शिलालेख है ये दोस्तों ग्यारह सौ सत्तर ईस्वी में ये लगवाया गया था ठीक है तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चार तीन दो एक चार तीन दो एक बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है फिफ्टी नाइन नंबर प्रश्न है बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की तो उनका नाम था दोस्तों कौन तो महाराजा राय सिंह सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए में से किसको मारवाड़ का भूला बिस्रा नायक कहा जाता है यानी कि मारवाड़ का भूला बिस्रा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट सुमेलित कीजिए एक तरफ सिक्के हैं दूसरी तरफ रियासत है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ, विजयसाही सिक्के हैं ये दोस्तों जोधपुर के गजशाही सिक्के हैं ये बीकानेर के उदयशाही सिक्के हैं ये डूंगरपुर के और शाही सिक्के हैं ये धौलपुर के प्रसिद्ध हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बासठ नंबर प्रश्न जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था तो ये करवाया था दोस्तों किसने तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जयपुर के कछवाहा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मान को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया तो दोस्तों मानसिंह को काबुल का सूबेदार है यह कब बनाया गया तो पंद्रह सो ईस्वी में दोस्तों इनको काबुल का सूबेदार बनवाया बनाया गया था नेक्स्ट है अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा मानसिंह ठीक है रा, राजा मानसिंह को सर्वोच्च यानी कि सर्वाधिक मनसब प्रदान किया गया था नेक्स्ट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था तो कौन सी रियासत का नाम है वो मोमिनाबाद रख दिया था तो आमेर रियासत का नाम है वो मोमिनाबाद रख दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई तो दोस्तों ये की गई महाराणा राय सिंह सॉरी महाराणा रायमल के समय महाराणा रायमल महाराणा रायमल के समय दोस्तों एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति लगवाई गई थी नेक्स्ट आगे देखिए सिक्सटी सेवन नंबर प्रश्न गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है दोबारा देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है तो वो किस में मिलता है तो वो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल के हरि, हरित हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है यानी कि उस प्रशस्ति का नाम बताना है कि जिसमें हारित ऋषि के आशीर्वाद से यानी कि हारित ऋषि की कृपा से बप्पा रावल को दोस्तों राज्य प्राप्ति हुई थी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो प्रशस्ति कौन सी थी तो वैद्यनाथ प्रशस्ति थी वो वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था तो दोस्तों वराह मंदिर का निर्माण अर्णो ने करवाया था और आना सागर झील का भी निर्माण अर्ण ने ही करवाया था नेक्स्ट जो दृढ़ राखो धर्म को ही राखे करतार किस ये जो शब्द हैं वो किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित थे तो ये दोस्तों मेवाड़ के राज्य चिन्ह में ये अंकित थे ये शब्द ठीक है नेक्स्ट मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी तो दोस्तों किसने की थी तो ये की थी दोस्तों महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी नेक्स्ट आगे देखिए बेहतर नंबर प्रश्न है सामान्य व्यक्तियों के ग्रह कुआ बावड़ी, तालाब राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी है ये अपने को राजवल्लभ राजवल्लभ मंडन में अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा कुंभा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें कहा जाता था तो दोस्तों राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था उन्हें कहा जाता था दोस्तों खसावन पासवान पड़दायत ये तीनों कहा जाता था तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है कोटा राज्य का संस्थापक कौन था तो कोटा राज्य का संस्थापक था दोस्तों माधो सिंह डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई तो ये प्राप्त हुई दोस्तों राणा लाखा के समय ठीक है थीके? तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 सौ ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा 1308 में दोस्तों कौन से दुर्ग को जीता था तो दोस्तों शिवाणा दुर्ग को जीता था 1308 में और फिर दोस्तों तीन साल बाद यानी कि 1311 सौ ईस्वी में जालोर पर विजय प्राप्त कर ली थी और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था शिवाणा दुर्ग यानी कि जालोर दुर्ग जीतने से पहले आपको शिवाणा दुर्ग जीतना जरूरी है इसलिए दोस्तों तेरह में शिवाना दुर्ग जीता और फिर तीन साल बाद में दोस्तों जालोर दुर्ग जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने नेक्स्ट है सर टोमस रो किस वर्ष राजस्थान आया ये आया दोस्तों 1615 सौ ईस्वी में राजस्थान आया था नेक्स्ट है आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सोतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सोतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी तो ये ली थी दोस्तों चूंडा ने ठीक है डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर नेक्स्ट है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था तो वो दोस्तों कालभोज था क्या नाम था कालबोज बप्पा रावल का मूल नाम नेक्स्ट है राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे तो ये बैठे दोस्तों कब ये बैठे सॉरी 1433 सौ ईस्वी में महाराणा कुंभा है वो गद्दी पर बैठे थे नेक्स्ट आगे देखिए नंबर हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया तो दोस्तों हवा महल का निर्माण है वो सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था ठीक है हवा महल का निर्माण डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे तो ये दोस्तों किसके शासनकाल में अजमेर आए थे तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है चौदह ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये महाराणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य यह युद्ध हुआ था ठीक है कौन सा सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था चौदह ईस्वी में तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर पिछासी नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था तो दोस्तों किसके विरुद्ध था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपने चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ ठीक है तो इसका प्रथम अभियान था ये सैनिक अभियान तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है पृथ्वीराज के सॉरी पृथ्वीराज ने किस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था तो दोस्तों तराइन का वो पहला युद्ध था जो ग्यारह सौ इक्यानवे में, में लड़ा गया था इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था तो ये किसे सौंपा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुतुबुद्दीन एबक को सोपा था ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है ईसवी सन 1177 में सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था तो आप सभी को पता है कि बयाना का युद्ध ठीक है कब हुआ था तो दोस्तों 16 फरवरी 16 फरवरी 1527 को यह बयाना का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया था तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है दोस्तों कौन से ग्रंथ में तो पृथ्वीराज राशों में ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट खानवा स्थान कहाँ है तो दोस्तों खानवा नामक स्थान है वो कहां पर है तो ये रूपवास भरतपुर में है ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर ठीक है और बयाना भरतपुर ये दूसरा है बयाना वाला युद्ध रूपवास भरतपुर में है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट हिंदू पथ कहा जाता था तो किसे कहा जाता था तो यह कहा जाता था दोस्तों सांगा को. का option, right सारे के, सारे देखने आपको बीच में छोड़ना मत कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे तो कौन थे तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण था तो क्या कारण था तो देखिए महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर की सेना को तैयारी करने का समय देना दूसरा था पुरानी युद्ध तकनीक और तीसरा था दोस्तों बाबर की तुलुग्मा युद्ध पद्धति ये तीनों ही कारण थे दोस्तों महाराणा सांगा के हारने के तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया तो हरावल का नेतृत्व किया था दोस्तों यानी कि हरावल किसको बोलते हैं सेना का जो सबसे अग्रिम भाग होते हैं जो सबसे पहले युद्ध करता है वो होता है दोस्तों हरावल तो इसमें उस सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम शोर पठान ठीक है तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है हल्दी काटी कौन से जिले में स्थित है तो ये दोस्तों राजसमंद में है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है किसे स्मरण किया जाता है तो ये दोस्तों बामासा को स्मरण किया जाता है ठीक है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है अकबर ने उदयपुर का नाम रखा तो उदयपुर का नाम क्या रखा तो दोस्तों मोहम्मदाबाद रखा था ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया तो वो कौन सा बनाया तो वो बनाया दोस्तों उदयपुर ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उदयपुर और नई राजधानी बनाई कौन सी चावंड पंद्रह में ठीक है नेक्स्ट दिवेर का युद्ध कब हुआ था तो दोस्तों पंद्रह में हुआ था यानी कि अक्टूबर पंद्रह में दिवेर का युद्ध हुआ था जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है किसने कहा था तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये नेक्स्ट है किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया तो दोस्तों वो था राव मालदेव दोस्तों बावन युद्धों के अंदर अट्ठावन परगने जीता था ये राव मालदेव ठीक है शुरुआत में इसके पास में यानी कि मालदेव के पास में दो ही परगने थे एक जोधपुर और एक सोजत ठीक है और बाद में दोस्तों इन्होंने बावन युद्धों में अट्ठावन परगने जीते थे तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन नेक्स्ट राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहा जाता है तो तो दोस्तों प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है तो वो है बरली का शिलालेख ठीक है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है नेक्स्ट दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य दोस्तों यह युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध ठीक है तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा था तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप के पास में अकबर ने चार दूत भेजे थे ठीक है जलाल खां मान सिंह भगवान दास टोडरमल तो सबसे अंतिम में गया था कौन तो टोडरमल डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न है महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया तो ये किया दोस्तों चावंड में कहां पर चावंड में किया था नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए थे तो दोस्तों ये कहां चले गए थे ये चले गए थे दोस्तों कुंबलगढ़ ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है अकबर का विरोध करने वाला राजपुताना का प्रथम शासक था तो वो कौन था वो दोस्तों में राव चंद्रसेन ठीक है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट महाराणा प्रताप मत कर देना राव चंद्रसेन था नेक्स्ट है निम्न में से किस मुद्दे को लेकर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में युद्ध हुआ था तो दोस्तों किसको लेकर तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेदिनी राय को लेकर ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिए दोस्तों एक नंबर प्रश्न है कुंभा के शासनकाल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण चौदह सौ ईस्वी में चौदह सौ ईस्वी में कुंबा के शासनकाल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण चौदह ईस्वी में किसने करवाया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैन श्रेष्ठी धरनक शाह ने ठीक है रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर और ये कुंभा के मंत्री थे 110 नंबर प्रश्न है निम्न में से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था तो दोस्तों उनका नाम था हकीम का सूर और भीम सिंह ने ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट एक सौ ग्यारह नंबर प्रश्न है चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी तो ये मांगी थी दोस्तों किसने तो रानी कर्णावती ने ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुंभा किसका परम्भ भक्त था तो दोस्तों कुंभा किसका परम्भ भक्त था तो ये विष्णु का परम भक्त था कौन कुंबा नेक्स्ट है महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव डाली महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली थी तो दोस्तों पंद्रह सौ उनसठ ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव डाली थी यानी कि स्थापना की थी नेक्स्ट है महाराणा उदय सिंह द्वितीय का राज्य अभिषेक किया गया तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह द्वितीय का राज्य अभिषेक है वो कब किया गया सॉरी कहाँ पर किया गया तो यह किया गया कुंभलगढ़ में बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा आगे देखिए वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई तो दोस्तों किसने लिखवाई थी तो ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने ये प्रशस्ति लिखवाई थी सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों कहां पर हुआ था तो ये कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म नेक्स्ट है।, है राग चंद्रोदय राग मंजरी नर्तन निर्णय आदि ग्रंथों की रचना किसने की तो ये की दोस्तों किसने तो पुंडरिक ने ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट मान चरित्र की रचना की है तो दोस्तों मान चरित्र की रचना की है तो ये दोस्तों राय मुरारी दास ने की है ठीक है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर एक नंबर प्रश्न है जयसिंह चरित्र की रचना की किसने की तो ये रचना की दोस्तों रामकवि ने ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखिए जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की तो दोस्तों किसने की थी ये तो ये शाहजहां ने की थी बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने किस युद्ध में मराठों की सेना को पराजित किया था जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने किस युद्ध में मराठों की सेना को पराजित किया था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पिल सिद्ध शुद्ध का युद्ध ठीक है पिल शुद्ध का युद्ध तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है जीज मोहम्मद शाही एवं जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की जीज मोहम्मद शाही एवं जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की ये की दोस्तों सवाई जय सिंह ने डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अमीर खां पिंडारी को टोंक का नबी नवाब स्वीकार किया गया अमीरखा खा पिंडारी को टोंक का नवाब स्वीकार कब किया गया तो दोस्तों नौ नवंबर 1817 को यह टोंक का नवाब स्वीकार किया गया था नेक्स्ट है जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया किसके द्वारा तो ये दोस्तों महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा यह गुलाबी रंग दिया गया था नेक्स्ट है रणथंबोर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने दोस्तों रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है दल पुंगल दल पुंगल कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की किसने तो वो की थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध किनके इनके मध्य लड़ा गया था तो दोस्तों गागरोन का युद्ध है ये महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडो के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था कौन सा दोस्तों गागरोन का युद्ध ठीक है तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1518 में यह युद्ध लड़ा गया था नेक्स्ट निम्न में से किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कहा जाता है निम्न में से किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है तो ये विजय स्तंभ को कहा जाता है सीधा सा है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है एक नंबर प्रश्न है किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है देखिए जो खानवा का युद्ध था उसके बाद में दोस्तों भारत में मुगल शासन है ये हो गया था नेक्स्ट इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध में महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपुताना के अधिकांश राजपूत शासक मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध लड़े थे तो दोस्तों वो खानवा के युद्ध में लड़े थे और खानवा का युद्ध आप सभी को पता है कब हुआ था तो 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एक सौ इकतीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए महाराणा प्रताप के अलावा राजपुताने का वह पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा कष्टों का मार्ग अपनाते हुए सतत युद्ध की नीति जारी की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राव चंद्रसेन ने ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एक सौ बत्तीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए निम्न में से किस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार यानी कि पंद्रह सौ सत्तर ईस्वी में उपस्थित होने के बावजूद उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी यानी कि दोस्तों पंद्रह सो सत्तर ईस्वी में नागौर दरबार लगा था अकबर ने यह दरबार लगवाया था इस दरबार के अंदर दोस्तों चंद्र ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो यहाँ की ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन महाराव चंद्रसेन नेक्स्ट नांदसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना की गई तो ये दोस्तों किसके द्वारा की गई तो ये सोम सोम के द्वारा ये दोस्तों नांदसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना की गई ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट बीकानेर के शासक राव जयत सिंह को हराकर 1541 पंद्रह सौ इकतालीस ईस्वी में बीकानेर पर अधिकार करने वाले जोधपुर के महाराजा थे तो दोस्तों कौन थे वो उनका नाम था राव मालदेव ठीक है मैंने आपको बताया था कि राव जयतसी की हत्या कर दी और राव जयतसी का बेटा था जिसका नाम था कल्याणमल वो शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है इस प्रश्न को दोस्तों छोड़ दीजिए ठीक है एक नंबर प्रश्न देखिए कर्नल टोट द्वारा समुद्र में फेंके गए शिला का नाम क्या था तो उस शिला का नाम था दोस्तों क्या तो मानमोरी का शिलालेख था वो तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए एक तरफ शिलालेख है दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष यानी कि एक तरफ शिलालेख और प्रशस्ति है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहा है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सामोली का लेख है ठीक है का लेख है ये दोस्तों 646 ईस्वी में लगा था ठीक है यानी कि के लेख की, की स्थापना है वो 646 सौ ईस्वी में की गई थी और अपराजित अपराजित की जो प्रशस्ति है ठीक है इसकी रचना है ये दोस्तों कब की गई थी तो ये 661 ईस्वी में की गई थी और कर्णसवा का जो शिलालेख है ठीक है कर्णसभा का जो शिलालेख है इसकी स्थापना दोस्तों सात सौ अड़तीस ईस्वी में की गई थी, की थी और चुकी इस की गई थी दोस्तों इसमें कर्णसभा की सात सौ अड़तीस ईस्वी और चुकी दोस्तों इसमें आठ सौ तेरह ईस्वी में स्थापना की गई थी ठीक है ये शिलालेख और प्रशस्ति यहाँ पे दे रखे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन चार दो एक तीन चार दो एक यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हरि लिए नाटक किसके द्वारा रचित है तो दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है तो ये विग्रह चतुर्थ के द्वारा रचित है डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था तो दोस्तों ये विवाह है ये किसके साथ हुआ था तो ये राणा लाखा के साथ हुआ था नेक्स्ट है आगे देखिए रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखलाया था या फिर गोहिल वंश के राजकुमार किसने तो चूंडा ने तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के विजय महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया तो दोस्तों ये विजय स्तंभ है ये सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है ठीक है तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखिए निम्न को सुमेलित करें एक तरफ महाराणा है दूसरी तरफ उनका राज्य रोहन कब हुआ है वो अपने को इसमें बताना था ठीक है तो यहां पे देखिए दोस्तों महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा दोस्तों 1433 में शासक मतलब राज्यभिषेक इनका 1433 में हुआ था ठीक है पंद्रह में दोस्तों महाराणा प्रताप यानी कि राणा प्रताप का राज्यभिषेक पंद्रह सौ में हुआ था ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बता देता हूँ ठीक है और महाराणा सांगा का राज्यभिषेक है वो दोस्तों पंद्रह सौ नौ ईस्वी में हुआ था और महाराणा उदय सिंह का जो राज्यभिषेक है वो दोस्तों पंद्रह सौ सैंतीस में हुआ था ठीक है महाराणा प्रताप का पंद्रह सौ बहत्तर में और महाराणा कुंभा का चौदह सौ तैंतीस में यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार दो तीन एक ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए बूंदी में मराठों को आमंत्रित किया तो किसने आमंत्रित किया यह किया दोस्तों आनंद कुंवरी यानी कि अमर कुंवरी ने तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है कुंबलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था तो वो कौन था वो था दोस्तों मंडन कौन था मंडन नेक्स्ट जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया यह संधि की गई तो दोस्तों यह संधि कब की गई थी तो ये 1818 ईस्वी में की गई थी बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई तो वो बनाई दोस्तों शाहजहाँ ने ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित करें एक तरफ है युद्ध दूसरी तरफ है वर्ष तो यहां पे देखिए दोस्तों रणथंबोर का युद्ध है वो दोस्तों 1301 सौ ईस्वी में हुआ था सीमाना का युद्ध है ये दोस्तों 1308 सौ ईस्वी में हुआ था जालौर का युद्ध दोस्तों 1311 में हुआ था और सारंगपुर का युद्ध है वो दोस्तों चौदह सौ ईस्वी में हुआ था यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा चार दो तीन एक चार दो तीन एक यानी कि ए, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तेरह सौ अड़तालीस ईस्वी में कल्याणपुर नगर वर्तमान करौली बसाया तो किसने बसाया था ये ये बसाया था दोस्तों किसने अर्जुनला अर्जुन पाल यादव ने तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था तो कौन था उपस्थित तो वो था दोस्तों अल्बदायुनी बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निम्न में असंगत है तो यहाँ पे देखिए गागरोन का युद्ध राणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध नहीं लड़ा गया था ये दोस्तों राणा सांगा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य गागरोन का युद्ध युद्ध लड़ा गया था 1518 सौ ईस्वी में ठीक है तो यहाँ पे पहला गलत दे रखा है और असंगत ही पूछा है तो अपना पहला ही राइट आंसर हो जाएगा बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था चित्तौड़ का युद्ध दोस्तों अकबर और मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य हुआ था कुलगढ़ का युद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुआ था तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर तो दोस्तों ये टॉप डेढ़ सौ प्रश्न है वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं पटवार भर्ती परीक्षा के लिए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो है कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेलाइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद